इंसान में यदि सीखने की ललक हो तो वह अपनी मेहनत व लगन से खुद की प्रतिभा को निखार सकता है। ऐसे ही एक हुनरमंद कलाकार हैं जगदीश नारायण, जिन्हें मुरली के नाम से भी जाना जाता है। नगर क्षेत्र के कठैतबाड़ा निवासी जगदीश नारायण को बचपन से ही पेंटिंग का शौक है। उन्होंने पेंटिंग के क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, फिर भी अपने हुनर, लगन व मेहनत के दम पर जगदीश नारायण बेहतरीन पेंटिंग आसानी से बना लेते हैं। मुरली बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। बाद में इस शौक को निखारने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों तथा राजनीतिज्ञों की पेंटिंग बनाने का प्रयास किया, जिसे काफ़ी सराहना मिली। लॉकडाउन अवधि में बीते 2 माह से जगदीश नारायण घर में ही पेंटिंग की विधा को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। मुरली की इस पेंटिंग विधा पर CCN संवाददाता सुष्मिता थापा ने उनसे बातचीत की। पेश है CCN की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले तो सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार और खासकर CCN न्यूज़ और आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे इस योग्य समझा। मेरा नाम जगदीश नारायण, मैं बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक रहा है इन चीज़ों, म्यूज़िक और ड्राइंग में। मैं बचपन से ही, आप ये मान लीजिए, थोड़ा सा मुझे गॉड गिफ्ट आप कह सकते हैं, इसे मुझे मिला है जो कि ड्राइंग के रूप में मुझे मिला है, जिसमें मैं पोर्ट्रेट वगैरह और थोड़ा वाटर कलर और ऑयल और हैंड राइटिंग वगैरह, वॉल पेंटिंग वगैरह मैं करता हूँ। मैंने जब मैं क्लास 4th में था, सबसे पहले मंदिर से मैं अल्मोड़ा गया था एक ड्राइंग कंपटीशन में, तो पहले ही उस टाइम पे वहाँ कोई प्लेस नहीं ला पाया, पर मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि मुझे, हाँ, मुझे ड्राइंग करना चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे करते गया, फिर ड्राइंग थोड़ा बहुत स्कूल में, फिर थोड़ा बहुत कंपटीशन करते गया। उसके बाद जब मैं बागेश्वर इंटर कॉलेज में था, तो मैंने लगातार गोविंद वल्लभ पंत वगैरह की स्केच था, उनका बनाता था, तो इस वजह से थोड़ा सा पोर्ट्रेट मुझे काफ़ी पसंद है। पोर्ट्रेट बनाना, जैसे आप किसी की तस्वीर मुझे दीजिए, मैं उसे हूबहू से बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने उस तस्वीर को कागज़ों पर लाने की कोशिश करता हूँ। बचपन से मेरा शौक था, बस मुझे शौक है, अपना अंदर एक जुनून है मुझे अपनी संस्कृति को, अपनी जो हमारे यहाँ के लोक वाद्य यंत्र हैं, लोकगीत हैं, इन सब चीज़ों को सजो के रखना है। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, जैसे पंजाब है वो अपने फोक को लेके आगे है, तो हमारा फोक भी हमारे अपने आप में एक अलग सा मिठास हमारे वाद्य यंत्रों में है, अलग से, तो मैं उसी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस इसीलिए मेरा जुनून है कि मैं कुछ नया करूँ इन चीज़ों के बारे में। अगर आज के डेट में अगर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आप पर डे अगर आप स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो अब आपको एक अच्छा लेवल आज के टाइम पे मिल जाता है। चाहे आप ग्राफिक्स की ओर चले जाएं, चाहे आप लाइव पोर्ट्रेट वगैरह की ओर चले जाएं, या आप जो भी इसमें है, काफ़ी अच्छा स्कोप है आज के डेट में, क्योंकि हर जगह कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे एडवर्टाइजमेंट की ओर चले जाएं, आजकल हर जगह ड्राइंग की बहुत जरूरत है। स्केचिंग में आपको यहाँ पे लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है, अपने आसपास लोगों का? फैमिली का तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई तुझे करना चाहिए, अच्छा है, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जैसे कि मेरे साथ का मेरे फ्रेंड है एक संजू भाई हैं, संजय साहबा जी जैसे कि आप जानते होंगे, और मेरे बड़े भाई हैं संजय भाई, उनका नाम भी संजय है, तो संजय नाम का काफ़ी फैक्टर आया मेरे लाइफ में। तो हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट हैं वो तो काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट करते रहते हैं कि यार तुझे करना चाहिए, जहाँ पे तुझे हेल्प, मेरे फ्रेंड वगैरह सब लोग हेल्प करते हैं। मेरे सबसे प्रिय गुरु जी रहे हैं अभी वो भीम सिंह कोरंगा सर, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि तुम्हें यहाँ से कॉलेज करना चाहिए या कुछ भी है, हर सपोर्ट किया मुझे काफ़ी। तो मैंने उनके इस बीच लॉकडाउन पर मैंने अपना उनके एक पोर्ट्रेट बनाया था, ये जो कि आपके सम्मुख है, इनका नाम लगा इसमें करीब 4 से 5 घंटा लगता है, और कब कॉन्सेंट्रेट वाला काम है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होते हैं इस काम के लिए। और आपको
अभी मैंने कुछ और भी बनाया था, ये है एक पोर्ट्रेट, ये आरजे जी का मैंने बनाया था, और एक और इस बीच मैंने, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए इस महामारी से, तो मैंने एक पोर्ट्रेट का भी बनाया, शायद आप लोगों को पसंद आए, कोशिश की है मैंने कि मैं बना पाऊँ करके, अभी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मुझे, जो कि मैं इस लॉकडाउन में कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं इस टाइप से अभी काम कर रहा हूँ, और अभी हमारे रिपोर्टर हैं सीसीएन न्यूज़ की, उनकी भी मैंने एक तस्वीर बनाई थी आप लोगों के बीच में साझा, ये रही तस्वीर, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। मुझसे ऐसे लोगों को मुझे प्रमोट करने में काफ़ी अच्छा लगता है जो हमारे समाज के लिए और हमारे लिए कार्य कर रहे हो इस बीच में लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों के बीच में भी आप लोगों के बीच में पल पल की खबरें लेके आ रहे हैं सीसीएन न्यूज़, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ अगर यदि आप लोगों को अगर मुझसे अगर इस ड्राइंग के से रिलेटिव या म्यूजिक के रिलेटिव अगर कोई भी अगर सवाल हो या आपको जानकारी चाहिए हो, तो जितने भी मेरे को आता है, जितना भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा कर सकूँ, अगर आप लोग को अगर इस में कोई भी जानकारी चाहिए होगी या मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी अकादमी है सक्षम डांस अकादमी, तो हम लोग संजय भाई और मैं, हम सभी लोग एक मिलकर अच्छा प्रयास है म्यूज़िक और कर रहे हैं, तो आशा करूँगा आप सभी लोगों का साथ हमें मिलेगा। और आपको जो भी आपकी कोई भी सवाल हो या कुछ हेल्प चाहिए हो, तो हम तत्पर आपके साथ खड़े हैं। अगर आप लोगों को म्यूज़िक से रिलेटिव या ड्राइंग से रिलेटिव अगर कुछ भी सीखना हो, या जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैं आप लोगों को लगता है कि आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी अकेडमी संपर्क कर सकते हैं। हम डांस, म्यूज़िक और ड्राइंग तीनों चीज़ हम यहाँ पर सिखाते हैं, आपको अगर सीखना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने तथा तराशने की होती है। जगदीश नारायण उर्फ मुरली ने खुद की प्रतिभा को न केवल पहचाना बल्कि हर रोज अभ्यास के साथ साथ प्रयास भी किया है। मुरली को यदि कोई उचित मंच मिले तो वह बागेश्वर जिले का तथा उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकते हैं। सीसीएन न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे के साथ मैं सुष्मिता थापा।